महाराष्ट्राची लूट चालली आहे आणि मी तुम्हाला शब्द देतोय की येणारं सरकार आमचं आहे, महाविकास आघाडीचं आहे, आणि आमचं सरकार आल्यानंतर हे सगळे भ्रष्ट कॉन्ट्रॅक्टर असतील, सगळे अधिकारी असतील, कोणी मंत्री असेल, त्यांना आम्ही जेलमध्ये टाकल्याशिवाय राहणार नाही. प्रत्येक निवडणुकीच्या अगोदर अशा प्रकारची मुंबई महापालिकेला 6,000 कोटी रुपयांची नवीन रोड कॉन्ट्रॅक्ट देतात आणि तुम्ही म्हणता की ऍडव्हान्स पैसे असे दिले जातात, हे पैसे काय निवडणुकीसाठी वापरले जातात? आता हे खोके धोके म्हणजे स्वतःसाठी खोके, जनतेला धोके हे दिसतंय, तर ते कशासाठी वापरले जातात माहित नाही. पण एवढं मोठं कॉन्ट्रॅक्ट जर आपण पाहतोय, मागच्या वर्षीचं एक तरी कॉन्ट्रॅक्ट पूर्ण झालंय का? मग कोणतरी भाजपचं बोलतं की नाही नाही हे कॉन्ट्रॅक्ट रद्द झालं पाहिजे, आम्ही कोर्टात जाऊ तेवढं जाऊ, एवढं नाटक करण्यापेक्षा पक्षाचा पाठिंबा काढून घ्या मिंदे सरकारमधून. दोन वर्षात खड्डेमुक्त करणार नाही. काल मला वाटतं एक दोन ट्विटर हँडल्सनी पण ट्वीट केलेलं आहे, मला वाटतं त्याच्यात आलंय सगळीकडे की नवीन झालेल्या रस्त्यांवर देखील आता खड्डे पडायला लागले. तुम्ही कोस्टल रोडचं बघा ना, तो एक जे दोन कनेक्टर आहेत हाजी अलीवर, हाजी अलीचा तिथे तिथे देखील ते डांबर आता निघायला लागलेलं आहे. तो रस्ता तुम्हाला आठवत असेल, टर्मिनल 1 पूल जो आहे 3 महिने बंद ठेवलेला. मग मी दोनदा ट्वीट केल्यानंतर त्यांना उघडायला लागला, कारण त्यांच्याकडे VIP साठी VIP कडे वेळच नव्हता उद्घाटन करायला, परत खड्डा पडला. ते मला वाटतं MMRDA काम आहे. नाही मी त्याच्यात जाणार नाही. बघा नाही कृष्णजी, मी याच्यात जाणार नाही, कारण आज जो महत्वाचा विषय आहे तुम्ही पहा, ह्याच्यात कुठेही राजकीय विषय नाहीये. हा विषय प्रत्येकाशी निगडीत आहे, तुमच्या आमच्याशी निगडीत आहे. तुम्ही कुठच्याही पक्षाचे मतदार असाल, करदाते तर आहात महाराष्ट्र म्हणून, आपण सगळ्यात जास्त कर भरत आहोत. मग आपल्याला केंद्रीय मंत्रालयाकडून म्हणजे NHAI कडून, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज कडून, MSRDC कडून किंवा मुंबई महानगरपालिकेकडून एवढे बेकार रस्ते का मिळत आहेत? आणि जेव्हा आम्हाला सांगितलं जातं किंवा आम्ही 2 वर्षात खड्डे मुक्त करू, अमुक करू, तमुक करू, ठाण्याच्या किती खड्ड्याचं तर लोकांसमोर यायला लागलं, तिकडच्या फ्लायओव्हरचं किती बेकार लोकांसमोर यायला लागलेलं. बिल्कुल, आज हम 3 मुद्दे अहम उठा रहे हैं. पहली बात तो यही है कि BMC मुंबई महानगर पालिका पिछले 2 सालों से चुनाव नहीं हुए. 2021-22 के जो काम थे वो स्लो डाउन कर दिए मिंदे सरकार ने. जो 22 में टेंडर्स निकलने वाले थे उनके कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों को पसंद ही नहीं आया तो वो रद्द कर दिए थे. फिर 23 में 15 जनवरी 2023 को मैंने पत्रकार परिषद ली थी और आप ही के माध्यम से जनता के सामने ये एक मेगा स्कैम एक्सपोज किया था. 18 जनवरी 2023 को खुद PM साहब आए थे, उन्होंने भूमि पूजन किया, लेकिन वो 5 पैकेज में से एक पैकेज ऐसा है जहां कॉन्ट्रैक्टर भाग गया है. BMC ने तय किया था कि उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी, लेकिन पेनल्टी लगाई तो है, पैसा वसूल किया है कि नहीं पता नहीं, बाकी की वसूली सरकार की बहुत चलती है, लेकिन पेनल्टी और कॉन्ट्रैक्टर से वसूली नहीं होती है. दूसरी बात यह है कि उन्हीं 4 जो पैकेज है, एक पैकेज तो बंद हो गया, 4 पैकेज में से एक भी रास्ता पूरा हुआ है क्या? यह मैंने सवाल BMC को पूछा हुआ था, हर महीने पूछता हूं, जवाब आता नहीं है क्योंकि जवाब है नहीं उनके पास. आपको अगर याद होगा जब मैंने ये सवाल पूछे थे तब उन्होंने कहा था कि हम CCTV लगाएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, हर हफ्ते में सबको रिपोर्ट दिखाएंगे कि कितने प्रतिशत रास्ते हुए हैं. रास्तों के तो पता नहीं, लेकिन खोके और धोखे बहुत सारे मिले हैं इस मुंबई को और महाराष्ट्र को. वैसे ही इस साल पिछले साल की तरह ही 6,000 करोड़ का दूसरा टेंडर निकाला गया है, 5 अपने पसंदीदा कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया गया है. लेकिन मेरा सवाल यही है कि 21-22 के रास्ते पूरे हुए क्या? तो नहीं. 23 के रास्ते पूरे हुए क्या? तो 1 भी किलोमीटर हुआ नहीं होगा शायद. जो नए रास्ते किए हैं कॉन्ट्रैक्टर ने किए हैं कंक्रीट के, हो वहां तो गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं. और फिर इन रास्तों की यार इस टेंडर की क्या जरूरत थी 2024 में, जबकि पिछले 3 साल के टेंडर पूरे हुए ही नहीं है, काम भी पूरे नहीं हुए. अभी जब इतनी भारी संख्या में आप काम निकालते हो किसी भी शहर का, आज अगर हमारे शहर की स्थिति देखें तो हर जगह गड्ढे हैं, पानी भर रहा है, नए फ्लडिंग स्पॉट्स आए हैं, डिवाइडर्स डैमेज्ड है, रास्तों की क्वालिटी बहुत खराब हुई है, और जो केओस दिख रहा है 15 लगभग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वार्ड ऑफिसर जो अपॉइंट करने थे वो अपॉइंट किए ही नहीं है प्रशासन ने. तो फिर इतना केओस जो है आज देख रहे हो, बहुत सारा ट्रैफिक जम रहा है, अनप्लान्ड रोड्स खोल रहे हैं जैसे कोस्टल रोड नॉर्थ बाउंड है, तो ये सब तकलीफें हम क्यों झेले? क्योंकि सिर्फ घटना भाई मुख्यमंत्री जो है, जो मिंदे सरकार के है, जो गैंग लीडर है, उन्हीं को ये सब पसंद है, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स को काम देने, इसलिए हम झेले? ये कौन सी नाइंसाफी है? अगर वैसे ही बात करने जाए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो खुद को बहुत एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट समझती है, हमें बहुत बार पॉडकास्ट में सुनाई देता है, यूट्यूब पर हम देखते हैं कि 2 मिनटों में इतने हमने किलोमीटर बनाए, ऐसे रास्ते बनाए, चांद तक बनाएंगे.
लेकिन चांद तो हमें जमीन पर दिख रहा है क्योंकि गड्ढे ही गड्ढे चांद के सरफेस पे, जैसे वैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रास्तों पे, मुंबई गोवा हो, मुंबई नासिक हो, मुंबई अहमदाबाद हाईवे हो, चार चार पांच पांच घंटे लोग ट्रैफिक में त्रस्त हैरान है, टोल तो भर रहे हैं लेकिन रास्तों का कहीं पता नहीं है। तो ये क्यों हम झेले, क्यों हम सहन करें? हमें तो कहा गया था कि जो कोकण में हमारे कोकणवासी जाते हैं, खास करके अभी गणपति बापा के जो फेस्टिवल को, तो हर साल हमें कहा जाता है कि अगले दिसंबर तक ये रास्ते ठीक हो जाएंगे। अभी पिछला दिसंबर भी निकल गया, जुलाई आ गया है लेकिन रास्ता दिख रहा नहीं। और फिर तीसरी बात रहती है एमएसआरडीसी की, नॉर्थ बाउंड कोस्टल रोड जो है, लगभग 2017 से अभी तक 7 साल हुए 8 साल हुए, 10 साल से तो इलीगल सीएम के पास ये खाता है। 3 सरकारें बदली है, खुद सीएम है, लेकिन अभी तक ना एक गर्डर लग चुका है ना कनेक्टर लग चुका है। पैसा तो आ रहा है एमएसआरडीसी में, कॉन्ट्रैक्टर्स को तो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर बदला गया है। ये भी आज न्यूज आई है कि 6,788 करोड़ से एस्केलेशन हुआ। ये जो इलीगल सीएम है उनकी एक खासियत है, भले काम हो ना हो, काम होते तो है ही नहीं, लेकिन एस्केलेशन जरूर होता है, 100% एस्केलेशन से भी ज्यादा होता है। और यही तकलीफ है इस महाराष्ट्र की कि अगर आप देखें तो ना केंद्र सरकार के बजट में हमारे लिए कुछ था, महाराष्ट्र करके सबसे ज्यादा करदाता होके भी, जीएसटी को सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होके भी, और ना महाराष्ट्र के बजट में मुंबई के लिए कुछ था। यही हमारी तकलीफ है, यही दर्द है। मैं आश्वासित करना चाहता हूं इस राज्य के सारे नागरिकों को कि हमारी सरकार नवंबर में बनेगी, महाविकास आघाड़ी की सरकार नवंबर में बनेगी, और जैसे ही हमारी सरकार बनती है ये सारे रास्तों के कॉन्ट्रैक्टर्स को और जो भी ऑफिसर्स है उनको इंक्वायरी लगाएंगे, जनता के सामने वाली इंक्वायरी लगाएंगे, पारदर्शक इंक्वायरी लगाएंगे, और जो भी दोषी हो उन्हें जेल में बिठाएंगे। सर, आपने नेशनल हाईवे का जिक्र किया, मुंबई गोवा एक ऐसा हाईवे है जिसका इंतजार 12 सालों से हो रहा है, इस बीच 500 करोड़ के आसपास खर्च भी हो चला है लेकिन अब तक कोई रिलीफ नहीं। बिल्कुल, और अभी तीसरे हाईवे के बारे में बात करें, कोस्टल रोड एक था, फिर ये मुंबई गोवा चल रहा है, फिर अभी बीच में एक और हाईवे प्रस्तावित किया है राज्य सरकार ने, यानी प्रस्ताव तो बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन काम कहां पूरे हो रहे, टोल भी तो चल रहा है। मुंबई पुणे किंवा ज्या काही नागरी समस्या आहेत त्या आपण बघतोय, पावसाळ्यात बघतोय, एकीकडे अशी परिस्थिती असली पूर, रस्त्यांची अवस्था, प्रशासकाचा वचन नाहीये, दुसरीकडे निवडणुका देखील होत नाहीये, त्यामुळे कुठे ना कुठे वचन निवडणुका आता एकच दणका मला वाटतं ही महाराष्ट्राची जनता या मिंदे सरकारला आणि भाजपला देणार आहे, कारण महाराष्ट्राची लूट कोणालाही बघवत नाहीये। खरं तर आता एवढे विषय जमलेले आहेत की प्रत्येक अर्धा तासाने एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तरी आचारसंहितेपर्यंत आपण पोहोचणार नाही। अजून 2-4 विषय आहेत, ते 2-3 दिवसात घेऊ आपण। आता उद्या मी पुण्यात चाललोय, कारण पुण्याची पण परिस्थिती अशीच खराब करून ठेवलेली, कधी नाही तसं पाणी पुराचं तिथे जमायला लागलं, तुंबायला लागलेलं, तिथे मी पुण्याबद्दल बोलीनच, पण मला वाटतं हा विषय खूप महत्वाचा आहे, कारण आज तुम्ही बघताय कुठेही येणं जाणं पण एवढं कठीण झालेलं आहे। मग तुम्ही भले ट्रेन मधून जा, रिक्षातून जा, कुठे जा, ट्रेनचे तर ऍक्सिडेंट रोज होतात, पण मंत्री महोदय प्रभारी म्हणून आलेत। तर आज हा जो रस्त्यांचा विषय आहे, मी खरोखर आपल्या सर्वांना विनंती करीन, कारण आपल्या सर्वांचा करदाता म्हणून पैसा या कॉन्ट्रॅक्टरच्या खिशात जातोय, पुढे त्याच्यातून खोके येतात का धोके येतात का आपल्याला माहित नाही, पण रस्ते तर होत नाही। सर, अनिल देशमुखजीने आज एक प्रेस कॉन्फरन्स करते काफी गंभीर आरोप जो है देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर लगाया था, बोला है कि हमें एक बंदे के जरिए बार बार ये कहा जा रहा था कि आपके खिलाफ और उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ एक FIR दर्ज की जाए, एफिडेविट डाली जाए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं किसी भी और विषय में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि आज एक दूसरा भी प्रश्न आया था पॉलिटिकल, लेकिन आज मुझे ये जो